असली मुद्दा है लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाना, चाहे वो हमारे माध्यम से पहुंचे, चाहे इनके माध्यम से पहुंचे, चाहे किसी और एक्टर या किसी भी और माध्यम से पहुंचे, टीवी के माध्यम से पहुंचे, सिनेमा के माध्यम से पहुंचे, असली मुद्दा है लोगों तक ये चीज पहुंचाना कि ये सारे नियम कानून फॉलो करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इट डजंट मैटर कि कौन पहुंचा रहा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट से हो, चाहे किसी और, चाहे ये हमारे जो हीरोज हैं यहाँ बैठे हुए, ये लोग पहुंचाते हैं, ये लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं लेकिन शायद घर घर तक नहीं पहुंच पाता है। तो हम लोग वो जरिया है, हम लोग वो माध्यम है जिसके जरिए पहुंचेगा घर घर तक। और बीइंग एन एक्टर ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है क्योंकि लोग हमारे सुनते हैं, लोग हमें देखते ज्यादा है। शायद इन लोगों को, ये लोग सड़कों पे रहते हैं, ये लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोग अपना टीवी के माध्यम से घर घर में पहुंचते हैं और हमें लोग ज्यादा देखते हैं। इसलिए जैसा इन्होंने कहा कि हम लोग टीवी कमर्शियल्स या किसी भी चीज़ों को करते हैं, लोग देखते हैं उसको, फॉलो करते हैं, लोग आइडल मानते हैं या इंस्पायर होते हैं। तो असली हीरोज ये लोग हैं, लेकिन लोग अगर हमें फॉलो करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोगों तक सही मैसेज पहुँचाएं। Giving me opportunity कि मैं यहाँ पे आई, आप लोगों के अभियान का हिस्सा बन रही हूँ और मेरे लिए सच में बहुत सम्मान की बात है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस, आप सभी लोगों को सेफ्टी रूल्स के लिए इतना लोगों को जागरूक करते हैं, साक्षर बना रहे हैं, इतना उनको अवेयरनेस जगा रहे हैं, संवेदनशील बना रहे हैं, इस चीज़ के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बस यही चाहती हूँ कि हम सब मिलकर, आप मिलकर, हम सब लोग साथ में हमारी सड़कों को, आपकी सड़कों को यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाएं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस रोड सेफ्टी ड्राइव पे आज इस मुहिम का हिस्सा बनके। और मैं खुद भी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइव करती हूँ, तो आई ट्राई कि मैं हमेशा सारे नियमों का पालन करूँ और मैं आगे भी लोगों को, बिकॉज एज अंगुली जी ने कहा कि हम लोग की पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, लोग हमारी सुनते हैं, सिर्फ एक्टर सिर्फ एंटरटेन नहीं करता है, उसके लिए उसकी और भी जिम्मेदारी होती है। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयरनेस जगाए लोगों के अंदर और खुद भी इन सब चीज़ों का पालन करें। और आप लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मैं घर में, मतलब मेरे जो विभूति नारायण विभू है उसको नहीं सुधार पा रही हूँ, आप लोग इतने सारे लोगों को सुधारते हैं और उनको जागरूक बना रहे हैं। तो हम इस चीज़ का, इस मिशन का हिस्सा बनकर बहुत ही खुशी हो रही है हमें, और थैंक यू सो मच। धन्यवाद भाभी जी। हमारे संस्कृति में भाभी का स्तर माँ का होता है, तो हमें सोचना चाहिए कि माओं का या भाई भाभियों का हमें सुने, हमने सुनना चाहिए और रास्ता सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। मैं मीडिया कर्मी जो हमारे समृद्ध लोकशाही के चतुर्थ स्तंभ है, उनको मैं अनुरोध करूंगा कि वो माने कि आपको हर कोई घर घर देखता है, तो आपको लगता है कि जब आप इस इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं तो जो संदेश है वो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, क्योंकि एक साथ घर में बैठ के शायद आपको कई सारे जो लोग हैं वो देख पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है। देखिए कई बार क्या होता है, जब एंटरटेनमेंट के साथ कोई सीख या कोई बात कही जाती है तो लोग जल्दी उसको रिसीव करते हैं। तो ये सर, आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं शुभांगी आत्रे, जिसे आप अंगुली भाभी के किरदार के रूप में जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है और बहुत सम्मान की बात है मेरे लिए जो इस सड़क सुरक्षा सप्ताह, जो ये जागरूकता अभियान है, इसका मैं हिस्सा बनी हूँ। एक कलाकार के रूप में हमारा काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है, अगर कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा जागरूक कर पाएं या थोड़ी अवेयरनेस पहुंचा पाएं इन चीज़ों को लेकर, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है और बहुत खुशी की भी बात है। वीडियोस मैंने देखे, बहुत ही अच्छे लगे। आई होप लोग इसके पीछे की भावना को समझेंगे। कहा है कि हम तो अपनी भाषा में एक ठो लाइन में एक चीज़ बोलेंगे कि सारे सड़क नियमों का जो है पालन कीजिए, भाभी जी घर पर हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं अपनी तरफ से भी पर्सनली पूरी कोशिश करूंगी जितने ज्यादा से ज्यादा ये जो वीडियोस हैं इनको शेयर करने की। एंड अगेन थैंक यू एंड टीवी, थैंक यू सर, जो इस मुहिम का हम हिस्सा बन पाए।
इतना ध्यान जब हम सड़कों पे निकलते हैं तो हर तरह से आप लोग जो है इतना ऑर्गेनाइज्ड है हमारे मुंबई का जो पूरा सिस्टम है. थैंक यू सो मच. अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारी भाभियों को कि हमें सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में और बताएं. और सुनिए, पहनिए सीट बेल्ट. भाभी जी, वो सीट बेल्ट होता है. आप सही पकड़े हैं, हमेशा पहनिए सीट बेल्ट. भाभी जी, क्या आप ड्राइविंग के वक्त कॉलिंग नहीं करने को कह रही हैं? सही पकड़े हैं, ड्राइविंग के वक्त कॉलिंग नहीं करो. हाय दिया, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि भाभी जी घर पर हैं. आप ओवर स्पीडिंग कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, ओवर स्पीडिंग ना ही कीजिए.